नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पावर डॉक्टर पवन शर्मा को असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शाम को भेजे गए आदेश में संजीव कौशल ने निलंबित पत्र में किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया। निलंबन की कार्रवाई के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कृषि विभाग के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने मंगलवार को वर्क सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। हरियाणा सरकार के असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने जिला उपायुक्त मुख्यालय पर आदेश भेजकर पवन शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं निलंबन की कार्रवाई पर DDI डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, जबकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का दायित्व किसानों के हित में कदम उठाना है। इसके बावजूद शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें धान अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसकी पालना करते हुए उन्हें दोषी किसानों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। संजीदगी से काम करने का इनाम के रूप में उन्हें निलंबन मिला है। पलपल कैथल से नवीन बल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। सर, जैसा आपको पता है, फसल अवशेष प्रबंधन कृषि विभाग द्वारा पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। हमारे ज़िले में 1,56,000 हेक्टेयर में धान का एरिया है, जिसमें 93,000 बासमती का है, 63,000 नॉन बासमती का है। और नॉन बासमती की जो वैरायटी हैं वो ज़्यादातर कंबाइन से कटती हैं। उसके बाद जो फसल अवशेष बच जाते हैं उनको प्रबंधन करना है। हमारे ज़िला कैथल में 269 कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों के लिए खोल रखे हैं हमने। और पिछली बार जो बात करूं मैं, हमारी 1180 लोकेशन आई थी पिछले साल जिला कैथल में इसी सीजन में बर्निंग की। इस बार आरसेक की रिपोर्ट के हिसाब से 942 हैं, जिसमें से 472 एक्चुअल है, बाकी फेक है। जो हमारी जिला प्रशासन द्वारा टीम बनाई गई है, उस टीम ने मौके पे सर्वे किया। सर्वे में वहाँ जाके देखा, कहीं नाली का एरिया आ रहा है, कहीं खेत का एरिया आ रहा है, कहीं फसल खड़ी है, कहीं मकान ट्यूबवेल का एरिया आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ 470 लोकेशन जिला कैथल में आई हैं अभी तक, जिनमें हमने 177 पे फाइन कर दिया। और 54 जो किसान हैं, 54 केस ऐसे हैं जिन पे हमने FIR लॉज कर दी। हालांकि FIR लॉज करना पोल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है, कृषि विभाग का नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के कहने पे उसके बावजूद भी हमने मतलब रोकने के लिए ये कदम उठाया। बड़े अफसोस की बात यह है कि पोल्यूशन कंट्रोल का कोई भी अधिकारी जिला कैथल में तैनात नहीं है। उनका भी सारा काम मेरी कृषि विभाग की टीम कर रही है। आज कम से कम 1.5 महीना हो गया मेरे कृषि विभाग का हर कर्मचारी, हर अधिकारी अपनी ड्यूटी दे रहा है। रात को 10-10 बजे तक भी हम लोकेशन देखने जाते हैं। जब कहीं फ़ोन आ जाता है तो उस लोकेशन पे हम जाते हैं, अगले दिन उसकी रिपोर्ट जमा कराते हैं। आज 4 बजे जो मेरे को ये नोटिस मिला भी आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि काम करने का नतीजा ये है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में जिला कैथल में सिर्फ 470 लोकेशन है, जिसकी पिछले साल भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये मुझे काम करने का इनाम दिया गया है। हमारे डिपार्टमेंट का या जिले में जहाँ भी जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं या जिला उपायुक्त महोदय हैं, उनका कहना तो मानना ही होता है। उनके ऑर्डर हैं तो हमने करना ही है, चाहे वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमने एक बार ADC साहब ने मीटिंग ली थी, उस टाइम ये कहा था कि ये काम पोल्यूशन कंट्रोल का है। हालांकि उन्होंने मीटिंग में प्रोसीडिंग में ऑर्डर भी किए थे कि FIR का काम पोल्यूशन कंट्रोल वाले करेंगे, उसके बावजूद भी उनका कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। तो कल जिला प्रशासन ने, जब हमारी VC थी, उसमें हमारे पे ये दबाव बनाया कि आप 100% FIR दर्ज कराओ, नहीं तो
दिक्कत आ जाएगी आपको। तो हमारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो सिर्फ किसानों के लिए बनाए, किसानों की भलाई के लिए बनाए, उसके बावजूद भी मैं मतलब अपनी जमीर से बाहर होकर ये काम किया, उसके बाद मेरे को ये रिजल्ट मिला है। तो आपके किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, लगातार 1 जनवरी में मैंने यहाँ कैथल में ज्वाइन किया था, उससे पीछे मैंने पानीपत था, पानीपत में भी पिछले सीजन में 109 कंप्लेंट थी, जो मैं इतनी मेहनत स्टाफ को साथ लेके चलने के कारण सिर्फ 17 पे पानीपत को लेके आया था, और यहाँ भी अब लगातार 1.5 महीने से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो सरकार की इस कार्रवाई कि इतना काम करने के बाद भी ये नतीजे हैं, तो वो काम में इंटरेस्ट क्यों लेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे कृषि विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये कहूँगा कि हमारा काम किसान कल्याण का है, वो अपना जारी रखें। तो क्या बिहार के प्रशासन के आदेश के आपको ये जो हर्जाना भुगतना पड़ रहा है? सर ये तो सरकार का ही आदेश है, अभी 4 बजे मेरे को मिला है कि आपको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया? कोई कारण इसमें नहीं बताया गया, मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्लियर कट कोई कारण नहीं दिया। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, हरियाणा एग्रीकल्चर एसोसिएशन का प्रधान, कैथल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं जो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, हमारे DDA साहब को, डॉक्टर पवन शर्मा जी को जो सस्पेंड कर दिया प्रशासन की तरफ से, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम पूरे पिछले 2.5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, DDA साहब भी हमारे साथ लगातार 2.5 महीने से काम करते हैं, रात के 9-10 बजे तक DDA साहब काम करते हैं ऑफिस में बैठ के, उसके बाद भी इतना काम करने के बाद भी हम उनको ईमानदारी का ये सजा मिला, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अगर काम इतना ज़्यादा काम करने से के वजह से अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम भी पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुला के और इसका कल से हम वर्क सस्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे की रणनीति हमारी कल डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आगे हमने क्या कार्रवाई करनी है। डीसी मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर जैसे कि साहब DDA साहब सस्पेंड हो जाए तो उससे तो वर्क से जो वर्क हमारा वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, प्रभावित होएगा, उस ये कोई सोल्यूशन नहीं है सस्पेंड करने का। और अब तो जो जिले की पोजीशन है वो बिल्कुल बहुत अच्छी हो चुकी है, तो अच्छे हमने 170 बंदों के हमने चलान काट दिया है, और जबकि हमारे पास कोई ऐसा चलान काटने का ऑर्डर भी नहीं है और कोई FIR कराने के प्रशासन की तरफ से कोई ऑर्डर भी नहीं थे, फिर भी हमने FIR भी कराई है DDA साहब ने, तो उसके बावजूद भी FIR कराने के कोई ऑर्डर भी नहीं थे, तब भी FIR करा रहे हैं जिला प्रशासन के प्रेशर से, और उसके बाद भी चलान काटने के ऑर्डर नहीं है तब भी चलान काट रहे हैं, रात 2.5 महीने से हम लगातार काम करें, उसके बाद भी अगर ऐसा तमका मिलेगा ईमानदारी का तो ये बिल्कुल ही शर्मनाक है, और बिल्कुल ही मैं इनकी बिल्कुल कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कम से कम 9 महीने से हमारी कोई भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे की संडे की कोई छुट्टी नहीं है, पिछले 9 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का हमारे कोई छुट्टी नहीं, ना कोई गेटेड हॉलीडे है, तो उसके बावजूद भी हम लगातार फील्ड के अंदर रात दिन काम कर रहे हैं, तो ये तो मान लिया अगर फिर भी प्रशासन की तरफ से अगर उच्च अधिकारियों की तरफ से ऐसी कार्रवाई करते हैं तो पूरा कर्मचारी वर्ग, पूरे अधिकारी वर्ग इस बिल्कुल इसमें निंदा प्रकट करता है। क्या इसके बारे में? मैं सभी उच्च अधिकारियों से बिल्कुल विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं कि जो DDA साहब पे कार्रवाई हुई है उसको कृपा करके वापस लिया जाए।